नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञानदायिनी यूट्यूब चैनल पर मैं शांत मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जो है जीएस की क्लास में संविधान का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से दो तीन दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बाकी आगे आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पीछे बात करें कि जो हम लोग की पिछली क्लास थी वो क्या थी, आपकी संविधान की क्लास थी, जिसमें हम लोग संविधान का भारतीय संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का विकास, जिसमें हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देख लिया था। और आगे बात करें तो जिसमें से दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी थी, जितने भी चार्टर एक्ट आपके महत्वपूर्ण हैं संविधान की दृष्टि से, उन सभी को देखा था। अगर सीधी सी बात करें तो क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत किस प्रकार से था, वो चीजें हम लोगों ने देखी। तो अगर हम लोग बात करें कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, क्या है जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, या हम लोग बात करें कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ, तो उन चीजों को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास की अगर हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत की हम लोग बात करेंगे। किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोग भारत की बात करेंगे। अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो भारत है वो कैसे थी, अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी चार्टर एक्ट थे इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। जितने भी आपके क्या थे, चार्टर एक्ट थे, इन सभी को देखा। चाहे वो आपका क्या हो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद बात करें साथियों, तो क्या था आपका जो था, ये 1793 का चार्टर एक्ट, क्या था 1793 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपका क्या हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो जो लास्ट चार्टर एक्ट था वो आपका क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट, क्या था 1853 का चार्टर एक्ट था। इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या था कि ये क्या था, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 20-20 वर्षों के लिए भारत की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये प्रावधान सारे किए गए थे। इन सभी चार्टर एक्ट को लाया गया था। चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। क्या होता है, अधिकार पत्र। और कैसा अधिकार, भारत की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि दूसरा आपको क्या देखना है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, क्या देखना है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, या क्या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भारत का शासन था वो हमें देखना है, किस प्रकार से वहां पर चीजें आगे घटित हुई थी। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत की अगर हम लोग बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा 1858 का। अगर हम लोग बात करें कि इसकी टाइमिंग की, तो इसकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, 1858 के से लेकर के 1947 तक। कब तक, 1947 तक, माउंटबेटन योजना तक। 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के कहां तक, जो 1947 का माउंटबेटन योजना थी, या जिसे क्या कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है, इन सभी को हम लोग देखें। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आया था वो क्या था, 1858 का भारत शासन अधिनियम।
आया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर उसके बाद बात करें तो जो इसमें आपका दूसरा होगा वो क्या होगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या था? मार्ले मिंटो अधिनियम। फिर उसके बाद बात करें कि जो ये आपका तीसरा हो जाएगा इसमें क्या देखना है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में डिस्कस करना है हम लोग को। अगर आगे बात करें तो आगे क्या हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या देखना है? 1935 का भारत शासन अधिनियम हमको देखना है। फिर उसके आगे बात करें तो आगे क्या हो जाएगा आपका, 1940 में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था। ये बात हम लोग को डिस्कस करनी है। उसके बाद आगे बात करें क्या हुआ, 1942 की बात करें, किसकी बात करें, 1942 की बात करें तो 1942 में क्या आया था आपका, क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। इसके बाद बारे में हमें बातचीत करनी है। और आगे बात करें इसी सिलसिले में तो आगे क्या हो जाएगा आपको, आपका 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था भारत। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था, इसी के अंतर्गत भारत की जो संविधान सभा थी इसका निर्माण किया गया था। और आगे बात करें तो लास्ट में जो लास्ट आपका क्या हो जाएगा, 1947 की माउंट बैटन योजना। क्या? माउंट बैटन योजना या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता योजना, माउंट बैटन योजना, इन सभी को हम लोग को देखना है। अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ये क्या है, ये आपका क्या है, चार्टर एक्ट था। क्या था? चार्टर एक्ट था। और चार्टर एक्ट को क्या कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है। और कैसा अधिकार, जो भारत की राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको संचालित करने के लिए 20 वर्षों के लिए, कितने समय के लिए, 20-20 वर्षों के लिए भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इनको संचालित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था। लेकिन हम लोग बात करें, इन सभी में तो 20 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन जो 1853 का चार्टर एक्ट था इसके अंतर्गत क्या नहीं दिया गया था, एक निश्चित अवधि के लिए भारत की राजनीतिक गतिविधि को संचालित करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया था। किसको नहीं दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो समाप्ति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो समाप्ति थी वो इसी चार्टर एक्ट में उसकी नींव पड़ चुकी थी, लेकिन कहां करके समाप्त हुआ, 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1909 की डिस्कस करेंगे, 19 में फिर ये चीजें हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चले, ठीक है? आप लोग फट से नोट कर लीजिए, एक पेन पेपर लेके आप लोग जरूर बैठिए, इन चीजों को नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक एक करके सभी चीजों को हम लोग पढ़ें कि ईस्ट इंडिया क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत जो भारत में जितने प्रावधान किए गए वो कैसे प्रावधान आपके थे, क्या क्या प्रावधान
किए गए। तो सबसे पहले देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन समाप्त हुआ तो किसका डायरेक्ट नियंत्रण हो गया भारत में, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट नियंत्रण हो गया, या ब्रिटिशर्स का क्या हो गया, या ब्रिटिश महारानी का भारत पर क्या हो गया, सीधा नियंत्रण हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, क्या है, 1858 का, 58 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858 की हम लोग बात करें, इसकी बात करें 1858 की जो भारत शासन अधिनियम था इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे पहला प्रावधान किया गया वो कौन सा प्रावधान किया गया, अगर हम लोग बात करें जो सबसे पहला प्रावधान किया गया वो क्या था, तो क्या था 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो पहला प्रावधान किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन समाप्त, भारत पर शासन समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो सबसे पहला प्रावधान किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो शासन था, जो राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के जो प्रावधान किए गए थे उन सभी को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी नींव कब पड़ी, किस अधिनियम के तहत ये किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसकी नींव कहाँ पड़ी थी, तो इसकी नींव पड़ गई थी आपकी 1853 के चार्टर एक्ट में ही, इसकी क्या पड़ गई थी, नींव पड़ गई थी। किसके, किस में, 1853 में। क्यों पड़ गई, क्योंकि क्या किया गया कि जो 20 वर्षों के लिए, जो निश्चित अवधि के लिए क्या था, जो भारत की शासन के गतिविधियों को नियंत्रित करने का जो प्रावधान किया गया था उसको क्या कर दिया गया था, एक निश्चित अवधि के लिए, या क्या, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए जो भारत की अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो इस 1853 के चार्टर एक्ट में नहीं दिया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हुआ, लेकिन इसकी नींव कब पड़ी, तो इसकी नींव कब पड़ गई थी, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या पड़ गई थी, इसकी नींव पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी, इसकी नींव आपकी पड़ गई थी। फिर उसके बाद आगे बात करें कि इसमें क्या किया गया, क्या हो गया, भारत पर, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो गया। क्या हो गया, भारत पर ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश, ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी का क्या हो गया, शासन हो गया। क्या हो गया, शासन हो गया। अगर हम लोग बात करें कि जो ये ब्रिटिश महारानी है या ब्रिटिश क्राउन उस समय किसके, कौन था, ब्रिटिश महारानी की बात करें तो उस समय कौन था, जो ब्रिटिश महारानी थी उस समय कौन थी, विक्टोरिया थी। कौन थी, विक्टोरिया थी। कौन थी, विक्टोरिया थी। तो हम लोग बात करें कि भारत पर क्या हुआ, ब्रिटिश महारानी का शासन हो गया। भारत पर किसका शासन हो गया, ब्रिटिश महारानी का शासन हो गया। किस अधिनियम के तहत, तो क्या था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या हुआ, जो भारत की ब्रिटिश महारानी थी, सॉरी, जो ब्रिटिश महारानी थी उनका क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन करके क्या कर दिया गया, महारानी के पास सीधा शासन कर दिया गया। तो हम लोग बात करें तो इसी का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन का, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का भारत पर सीधा या प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। क्या हो गया, ब्रिटेन का भारत पर, ब्रिटेन का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। क्या हो गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अभी तक क्या था, इससे पहले क्या था, ब्रिटेन ही करता था शासन, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से करता था, एक मीडिएटर था। लेकिन अब क्या प्रावधान किया गया कि ब्रिटेन का जो शासन था क्या हो गया, भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। किसका, ब्रिटेन का, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या किया गया, भारत पर सीधा क्या हो गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटेन का। किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। और आगे बात करें इसी के सिलसिले में, आगे बात करें तो आगे एक प्रावधान और किया गया। क्या किया गया, जो ये आपकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसमें क्या किया गया, भारत सचिव नामक एक नया पद
बनाया गया। क्या बनाया गया? जो भारत सचिव नामक एक नया पद बनाया गया, जो क्या करता, भारत की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित मामलों पर निगरानी करता। कहां करता? ब्रिटेन में बैठा है, लेकिन कहां करेगा? भारत की जितनी भी गतिविधियां होंगी उन सभी को नियंत्रित करेगा। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे क्या प्रावधान किया गया, इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में भारत सचिव नामक नया पद बनाया गया। क्या किया गया? भारत सचिव नामक एक नया पद बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत सचिव नामक एक नया पद बनाया गया। और हम लोग बात करें कि पहला सचिव कौन था भारत सचिव, तो वो कौन था? एडवर्ड स्टैनले था। क्या था? भारत का पहला सचिव। क्या था? जो भारत सचिव पहला पद बनाया गया वो कौन था? एडवर्ड स्टैनले बनाया गया। और ये क्या करता? भारतीय मामलों की निगरानी करता। क्या करता? जो भारतीय मामलों की निगरानी करता कौन करता? भारत सचिव। और इसी भारत सचिव की सहायता के लिए एक क्या बनाया गया? भारतीय परिषद की स्थापना की गई। क्या की गई? भारतीय परिषद की स्थापना की गई। क्या की गई? भारतीय परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य थे? जिसमें आपके कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। अगर हम लोग बात करें कि जो ये भारतीय सचिव था और जो ये आपके 15 सदस्य भारतीय परिषद बनी, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था? भारतीय सचिव था। भारतीय या भारत का क्या था? सचिव था। जो भारत सचिव था वो इस 15 सदस्य भारतीय परिषद की क्या होता? सदस्य होता। जो क्या करते थे? इसको सभी सूचनाएं प्रदान करते थे। क्या करते थे? इसकी सहायता के लिए सभी सूचनाएं प्रदान करते थे। फिर आगे हम लोग बात करें तो आगे क्या किया गया? देखिए, इन ये जो भारत सचिव था और जो भारतीय परिषद के जो 15 सदस्य थे, इन सभी को वेतन कहां से दिया जाता? भारतीय राजस्व से दिया जाता। कहां से दिया जाता? भारतीय राजस्व से इनको वेतन प्रदान किया जाता। क्या किया जाता? इनको वेतन प्रदान किया जाता। देखिए एक बार क्या क्या प्रावधान किया गया। अगर हम लोग बात करें कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया, सबसे पहला प्रावधान किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो इसकी नींव पड़ी थी वो कब पड़ी थी? 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इसकी क्या पड़ गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की नींव पड़ चुकी थी। आगे बात करें कि जो ब्रिटिश महारानी का क्या हो गया? सीधा नियंत्रण हो गया। और बात करें कि उस समय कौन ब्रिटिश महारानी कौन थी, तो कौन थी आपकी? क्या हो जाएगी? विक्टोरिया हो जाएगी। आगे बात करें कि ब्रिटेन का भारत पर क्या हो गया? प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। और आगे बात करें इंग्लैंड की जो मंत्रिपरिषद थी वहां पर क्या बनाया गया? भारत सचिव नामक एक नया पद सृजित किया गया, क्रिएट किया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि उसके जो पहले पहला जो अध्यक्ष था भारत सचिव कौन बना? वो कौन बना? एडवर्ड स्टैनले को क्या बनाया गया? भारत का सचिव बनाया गया सबसे पहला। और इसी की सहायता के लिए भारतीय परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? भारतीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कितने सदस्य थे? 15 सदस्य बनाए गए। और इन सभी का वेतन, ये 15 सदस्य और क्या? भारत सचिव, इन सभी को वेतन कहां से दिया जाता? भारतीय राजस्व से दिया जाता। देखिए बड़ी अजीब बात थी कि क्या थी कि वो बैठा था इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में या संसद में बैठा था, वहां से भारत के मामलों का नियंत्रण करता। क्या करता? किसके सारे? अगर हम लोग बात करें कि जो गवर्नर जनरल था, अब वो क्या करेगा? जो भारत सचिव है उसके अंदर काम करेगा, भारत सचिव की सलाह पर काम करेगा, अपने मन से कोई काम नहीं करेगा।
तो क्या करेगा कि क्या कर दिया गया, भारत गवर्नर जनरल को बाध्य कर दिया गया कि आप क्या करेंगे, भारत सचिव की सलाह पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, क्या करेंगे, भारत सचिव की सलाह पर कार्य करेंगे। एक बात और देखते हैं, अगर हम लोग बात करें कि ये 1858 का भारत शासन अधिनियम की तीन डेट हमें जानना आवश्यक है, कि तीन डेट हमें जानना आवश्यक है। एक क्या है, 2 फरवरी 1858 की बात कर रहे हैं, 2 फरवरी 1858। दूसरी डेट आपकी क्या हो जाएगी, 6 अगस्त 1858, क्या 6 अगस्त 1858। और एक क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 की बात करेंगे, 1858 की बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि 2 फरवरी को क्या किया गया, अगर हम लोग बात करें कि जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी 1858 को क्या किया गया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया, क्या रखा गया, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश संसद थी, वहां पर रखा गया, ब्रिटिश संसद में रखा गया, ब्रिटिश संसद में रखा गया। कब रखा गया, 2 फरवरी 1858। और बात करें उस समय जो पीएम थे, उस समय जो पीएम थे ब्रिटेन के, वो कौन थे, इंग्लैंड का जो पीएम थे वो कौन थे, पॉमस्टन थे, कौन थे, पॉमस्टन थे, यहीं पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, पॉमस्टन, कौन थे, पॉमस्टन थे। लेकिन हम लोग बात करें 6 अगस्त 1858 की, किसकी बात करें, 6 अगस्त 1858 की बात करें, कि इस डेट में क्या हुआ कि जो ये बिल रखा गया था, क्या रखा गया, 1858 का भारत शासन विधेयक रखा गया, कब रखा गया, 2 फरवरी 1858 को, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उस समय कौन थे, पीएम, पीएम कौन थे, पॉमस्टन थे। लेकिन अगर बात करें कि ये पारित कब हुआ, तो ये पारित हुआ 6 अगस्त 1858, पॉमस्टन ने रखा, लेकिन पॉमस्टन के रखने में ये पारित नहीं हुआ, और ये क्या हुए, पीएम के पद से हट गए, और क्या हुआ, 6 अगस्त 1858 को उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो कौन थे, लॉर्ड डर्बी, कौन थे, लॉर्ड डर्बी, और इन्हीं के शासन में क्या हुआ, इन्हीं के शासन में, इन्हीं के पीएम रहते हुए क्या किया गया, 6 अगस्त 1858 को, 6 अगस्त 1858 को ये जो अधिनियम था, जो ये बिल था, विधेयक था, ये पारित हो गया, और क्या कहलाया, भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से ये आपका प्रकाशित हुआ। फिर आगे बात करें कि 1 नवंबर 1858 को ये क्या हुआ, ये डेट है जब भारत में ये क्या हुआ, कमेंस हुआ, क्या हुआ, कमेंस्ड इन इंडिया 1 नवंबर 1858, ये क्या हुआ, भारत में लागू हुआ, कब लागू हुआ, 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, ये भारत में आपका लागू हो गया, कब हुआ, 1 नवंबर 1858 की डेट के समय क्या हुआ, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1858 या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या हुआ, भारत में लागू हुआ। अब आप लोग क्या करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, आप लोग चीजों को नोट करते चलिएगा, बातों को इकट्ठा एक नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे क्या हो, बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो। देखिए एक बार फिर से बात करें कि क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश महारानी के पास क्या हो गया, भारत का शासन सीधा चला गया, और दूसरी बात क्या हुई, ब्रिटेन का क्या हो गया, भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, और जो इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद थी वहां पर क्या बनाया गया, भारत सचिव नामक एक पद बनाया गया, और पहले कौन बने, स्टैनली बने, कौन बने, स्टैनली बने। और आगे बात करें कि ये जो 1858 का भारत शासन विधेयक था, ये कब रखा गया, 2 फरवरी 1858 को रखा गया, कहां रखा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, पीएम कौन, पामस्टन, लेकिन किसके समय में पारित हुआ, 6 अगस्त 1858 को, लॉर्ड डर्बी उस समय पीएम थे, तो क्या हुआ, पारित हुआ, और ये भारत में लागू कब हुआ, 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, ये आपका लागू हुआ, कहां लागू हुआ, भारत, ठीक है। फिर अब आगे बात करें, इसके अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए,
देखिए साथियों, अब आगे बात करें कि इसके अंतर्गत और कौन से आपके प्रावधान किए गए, तो क्या किया गया, तो जो ये आपका गवर्नर जनरल था, क्या था, गवर्नर जनरल की जो पद था, क्या था, जो ये गवर्नर जनरल का पद था, इसको क्या कर दिया गया, रिनेम कर दिया गया। जो ये गवर्नर जनरल का जो पद था, इसको क्या कर दिया गया, रिनेम कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और करके क्या कर दिया गया, क्या कर, पद का नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, और बदल करके क्या रखा गया, वायसराय ऑफ इंडिया, क्या रखा गया, वायसराय कर दिया गया, क्या कर दिया गया, वायसराय, क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जो ये पद था, ये बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, क्या कर दिया गया, वायसराय, ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो भारत का पहला वायसराय था वो कौन था, अगर हम लोग बात करें कि जो वायसराय था ये क्या था, ये था ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था, क्या था, ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था, ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि, ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था, कौन, वायसराय, कौन था, वायसराय था। तो अगर हम लोग बात करें कि जो पहला वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, क्या थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, ठीक है साथियों। देखिए क्या किया गया, इसके अंतर्गत एक प्रावधान और किया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल नामक पद था उसका नाम बदल दिया गया, बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और जो भारत के पहले वायसराय बने वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने, और जो ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि क्या होता था, ये वायसराय होता था। तो ये किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ये किया गया, ठीक है साथियों। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो गया आपका, 1858 का भारत शासन अधिनियम हो गया। उसके बाद आगे बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा क्या पे देखना है आपको, 1919 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म देखना है, क्या देखना है, 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम, 1909 का क्या, मार्ले मिंटो अधिनियम। या इसी की बात करें तो इसी को कहा जाता है 1909 का भारत शासन अधिनियम, क्या कहा जाता है, 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 1909 का भारत शासन अधिनियम आपका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम, कब का, 1909 का, क्या, भारत शासन अधिनियम की बात हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो देखिए ध्यान से, देखिए क्या हुआ, 1857 का क्या हुआ, विद्रोह हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या, 1857 की क्रांति। उसके बाद क्या हुआ, इसी के लगभग 30 वर्षों बाद क्या हुई, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, कब, 1885 में क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना, क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। तो उसके बाद आगे बात करें, ऐसे घटना बढ़ती जाती है, कब, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, क्या होता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें, क्या करें, आगे बात करें तो क्या होता है, 1906 की बात है, 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है,
क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना, क्या मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कब होती है, 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद आगे बात करें तो क्या 1907 की बात करते हैं, और 1907 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहां पर हुआ था, सूरत में हुआ था, और इस सूरत में क्या हो गया, इस सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का बंटवारा हो गया, या क्या हो गया, विभाजन हो गया, और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या हो गई, बट गई। कांग्रेस क्या हुआ, जो नरम पंथी और गरम पंथी में क्या हुआ, बट गया, नरम दल और किसमें, गरम दल, गरम दल। अब देखें बात करें कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत क्या किया, भारत में 1909 का पार्लियामेंट ऑफ अधिनियम ये क्या किया, प्रस्तुत किया, और किसको खुश करने के लिए, जो ये नरम दल के नेता थे इन्हीं को खुश करने के लिए यह प्रावधान किया गया, 1909 का पार्लियामेंट ऑफ अधिनियम लाया गया, क्या लाया गया, 1909 का पार्लियामेंट ऑफ अधिनियम आपका लाया गया, किसके लिए, जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे इन्हें को संतुष्ट करने के लिए क्या किया गया, ये बात डाली गई, किसके अंतर्गत, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, राज करो की नीति के अंतर्गत, की नीति के अंतर्गत क्या किया गया, क्या किया गया, इस अधिनियम को 1909 में लाया गया, क्या लाया गया, 1909 में ये अधिनियम आपका आया, ठीक है ना। अब इतना क्या करिए, नोट करिए, अब इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए उसको डिस्कस करेंगे, बस एक बार ऐसे आप इसको फ्रेम कर लीजिए कि क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर कांग्रेस की स्थापना, एक एक करके सभी घटनाएं क्या होती हैं, होती रहती है, फिर क्या होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और कहां पर होता है, सूरत में होता है, कहां पर होता है, सूरत में होता है, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या होती है, बट जाती है। अब आप लोग इसका करिए, क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए, फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या प्रावधान किया गया, तो क्या किया गया, जो भारत में क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विकास किया गया, क्या किया गया, या प्रारंभ किया गया, तो क्या किया गया, फूट डालो राज करो के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रावधान किया गया वो क्या गया, भारत में सांप्रदायिक कम्युनल जो ये आपका निर्वाचन था, ये प्रारंभ किया गया, क्या किया गया, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, निर्वाचन प्रणाली आपकी क्या की गई, प्रारंभ की गई, क्या की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, स्टार्ट की गई, क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आपकी शुरू की गई भारत में। अगर हम लोग बात करें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी, तो क्या था, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया वो क्या किया गया, कि कुछ विशेष स्थानों पर, कुछ विशेष क्षेत्रों में क्या प्रावधान किए गए, कि केवल और केवल कुछ स्थानों पर केवल मुस्लिम ही वोट कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे,
कुछ स्थानों पर, जो कुछ आपके विशेष स्थान होंगे वहां पर केवल और केवल क्या करेंगे, मुस्लिम ही वोट करेंगे। क्या करेंगे, कुछ मुस्लिम ही वोट करेंगे। ये क्या थी, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और अगर हम लोग बात करें कि जो ये भारत में निर्वाचन प्रणाली का, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। और अगर हम लोग बात करें कि जो ये मिंटो मार्ले, मिंटो सुधार है, अगर हम लोग बात करें कि जो ये मार्ले है, ये क्या है, उस समय का भारत सचिव है। क्या है, उस समय का जो भारत सचिव है वो कौन है, मार्ले है। और अगर हम लोग मिंटो की बात करें तो मिंटो क्या है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल है। क्या है, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, मिंटो था। इसी को क्या कहा गया, मार्ले मिंटो अधिनियम, या क्या, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ये क्या था, देखिए भारत में सांप्रदायिकता का क्या कर दिया गया, स्टार्टिंग कर दी गई कि कुछ ऐसे स्थान होंगे, कुछ ऐसे स्थान होंगे जिसमें क्या किया गया कि केवल और केवल मुस्लिम ही वोट कर पाएंगे और कोई जाति के जो व्यक्ति होंगे वो क्या नहीं कर पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा। और इसी अधिनियम के बारे में के एम मुंशी ने कहा, क्या कहा, के एम मुंशी ने कहा कि इस अधिनियम ने भारत के उभरते लोकतंत्र की क्या कर दी, हत्या कर दी। के एम मुंशी ने कहा, इस अधिनियम ने भारत के उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी, उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्या कर दी, उभरता जो लोकतंत्र था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था, कर दी। क्या कर दी, इस अधिनियम ने भारत के उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। और ऐसा किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था कि अब क्या होगा, भारत में जातिवाद प्रारंभ हो जाएगा। जब क्या किया जाएगा, कुछ विशेष जातियों को क्या कर दिया जाएगा, विशेष प्रावधान उनके लिए कर दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भारतीय आपस में लड़ेंगे और क्या हो जाएगा, ब्रिटेन को भारत में शासन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या आधार था, इसका मतलब क्या था कि क्या करें, भारतीय आपस में लड़ते रहे और क्या हो, ब्रिटेन की शासनी व्यवस्था पर क्या ना हो, बहुत ज्यादा उनको प्रभाव ना पड़े, या उनके ऊपर ब्रिटेन का क्या ना हो, बहुत ज्यादा प्रभाव ना हो। तो इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिसके जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। क्या कहा इसने, क्या किया कि कुछ स्थान पर केवल और केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे, तो यही क्या हो गया आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हो गई। अब इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले हम लोग। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म हो गया, इसके बाद अब आगे बात करते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बात करते हैं, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो जो ये आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसका विस्तार किया गया। क्या किया गया, सिखों के लिए अलग से किया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से किया गया, ईसाइयों के लिए अलग से किया गया, यूरोपियंस के लिए अलग अलग से क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया, विकास किया गया। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, या इसी को क्या, 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या, 1919 का भारत शासन अधिनियम की हम लोग बात करें। इसी के अंतर्गत क्या किया गया था, भारत में प्रांतों में क्या किया था, डायरकी स्थापित की गई थी। एक एक करके सबको देखें,
लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार होती है इसको हम लोग एक बार डिस्कस करें, इसको एक बार हम लोग डिस्कस करें। तो क्या हुआ, 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हुआ, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, क्या चला 1914 से लेकर के 1919 तक क्या चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला आपका, वर्ल्ड वॉर चला। और इसी के बीच, इसी के बीच हम लोग बात करें 1915 से 16 में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना की गई, क्या की गई, होम रूल लीग की स्थापना की गई, होम रूल लीग की स्थापना की गई तिलक और एनी बेसेंट द्वारा, क्या किया गया, होम रूल लीग की स्थापना की गई, किसकी स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना की गई, होम रूल लीग की स्थापना की गई। उसके बाद फिर देखिए बाद में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, क्या हुआ, कांग्रेस का, सॉरी लाहौर नहीं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, कब हुआ था, 1916 में। और जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, नरम दल और गरम दल, वो क्या हो गया, एक साथ मिल गया, किसके सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से, क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल क्या हो गई, कांग्रेस फिर से एक हो गई, क्या हो गई, कांग्रेस एक हो गई, जो नरम दल और गरम दल में बंटवारा हो गया था वो दोनों क्या हुए, आपस में फिर से मर्ज हो गए, जो गरम प्रति विचारधारा थी और जो नरम प्रति विचारधारा थी वो दोनों आपस में क्या हुए, मिल गए, ठीक है। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम आया, या क्या, 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए, कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए इस अधिनियम के तहत। तो देखें हम लोग, जो सबसे पहला बात की गई, यहां तक आते आते भारत ने क्या कर दी, स्वशासन की मांग शुरू कर दी, क्या कर दी, भारत ने स्वशासन की मांग शुरू कर दी। इसी को दबाने के लिए क्या कर दिया गया, भारतीयों ने मांगा स्वशासन और उनने क्या दिया, उत्तरदायी शासन की बात की, क्या की, क्या कहा कि उत्तरदायी शासन की बात की, उत्तर दायी शासन, रिस्पॉन्सिबल, क्या बात की, उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया, क्या किया, इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में क्या किया गया, उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया, कहा कि ब्रिटेन ने क्या कहा कि हम क्या होंगे, आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बात कहां पर की गई, 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम में बात की गई। भारत क्या मांग रहा था, भारत मांग रहा था स्वशासन, लेकिन कांग्रेस क्या मांग रही थी, भारत में स्वशासन की बात कर रही थी, लेकिन क्या किया गया, ब्रिटेन द्वारा उत्तरदायी शासन का बात, उत्तरदायी शासन की बात की गई, क्या की गई, उत्तरदायी शासन की बात की गई, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें कि दूसरा क्या किया गया, दूसरा क्या क्या प्रावधान किया गया, तो क्या किया गया, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, क्या किया गया, पहली बार वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, देने का अधिकार किसको, महिला को दिया गया, महिलाओं को दिया गया, वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया, वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया, महिलाओं को दिया गया, इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, क्या दिया गया, भारत में जो महिला भी अब क्या कर सकती, इसके बाद से वोट कर सकती थी। फिर आगे बात करें कि आगे क्या किया गया, पहली बार द्वैध शासन, क्या किया गया, पहली बार भारत में द्वैध शासन स्थापित किया गया, क्या किया गया, द्वैध शासन स्थापित किया गया, द्वैध शासन स्थापित किया गया। और कहां पर, भारत में द्वैध शासन स्थापित किया गया, कहां पर, प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन स्थापित किया गया,
क्या किया गया, भारत में पहली बार द्वैत शासन स्थापित किया गया। अगर हम लोग बात करें कि द्वैत शासन क्या है, देखिए एक क्या था भारत में, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल एक होता था, लेकिन प्रत्येक राज्यों का क्या होता था, एक गवर्नर होता था। क्या होता था, एक गवर्नर होता था। क्या होता था, गवर्नर आपके होते थे, एक क्या, एक गवर्नर जनरल, उसके अंतर्गत काम करने वाले क्या, गवर्नर। और इस गवर्नर के पास, इस गवर्नर के पास दो शक्तियां थी, क्या थी, कुछ आरक्षित शक्तियां थी, आरक्षित शक्तियां थी या आरक्षित कार्य थे, और कुछ कार्य आपके क्या थे, कुछ कार्य आपके क्या थे, कुछ कार्य आपके क्या थे, हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय आपके थे, कुछ क्या थे, हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित जो विषय थे ये किसके पास रहता था, ये गवर्नर के पास रहता था, किसके पास रहता था, गवर्नर के पास रहता था, लेकिन जो हस्तांतरित कार्य थे ये किसके पास रहते थे, जनता द्वारा, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे उनके पास रहते थे, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे उनके पास ये हस्तांतरित विषय रहते थे। क्या रहते थे, हस्तांतरित विषय आपके रहते थे, तो इसी को क्या कहा गया, डायरकी कहा गया, ठीक है ना। फिर इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे चले और बात करें इसी अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया। पहली बार तो उत्तरदायी शासन की बात की गई, दूसरा क्या कहा गया कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, और अगली बात क्या थी, भारत में द्वैत शासन स्थापित किया गया, कहां पर, प्रांतों में, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल, उसके अंदर कौन काम करता था, गवर्नर, और गवर्नर के पास आपके क्या थे, कुछ आरक्षित विषय थे, और क्या थे, कुछ हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय किसके पास रहते थे, गवर्नर के पास, लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे वो किसके पास थे, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे उनके पास आपके क्या थे, आरक्षित विषय थे, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग और बात करें इसी में, इसी में और आगे बात करें तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया, इसी के अंतर्गत और आपका क्या किया गया, क्या किया गया, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, पहली बार लोक सेवा आयोग का, आयोग की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, किस अधिनियम के माध्यम से, तो आपका क्या हो जाएगा, 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स वुड अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और बात करें, अभी हमने बात की थी क्या कि इसी के अंतर्गत भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, भारत में क्या थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। इसी के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो भारतीय जो निर्वाचन प्रणाली थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। तो हम लोग बात करें पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली केवल और केवल मुस्लिम के लिए थी, लेकिन यहां पर विस्तार करके किसके लिए, सिखों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। आंग्ल भारतीय जो थे इनके लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियंस के लिए इन सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया, विस्तार किया गया या प्रावधान किए गए कि जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। किस अधिनियम के माध्यम से, 1919 के चेम्स वोट अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया, भारत में निर्वाचन प्रणाली का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। और आगे बात करें कि पहली बार जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार
किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा 1919 का चार्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और भारत में क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन भारत में पहली बार लगाया गया। और इसी के अंतर्गत क्या किया गया, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में की गई। और भारत की जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। सिखों के लिए, भारतीयों के लिए और यूरोपियंस के लिए क्या किया गया, अलग से निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया, अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अब आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चला जाए, देखते हैं ये आगे क्या हुआ। हम लोग आगे बात करें तो क्या प्रावधान किया गया, देखिए अब आगे हम लोग बात करें कि जो देशी रियासतें थी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। क्या की गई, जो देशी रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए, देशी रियासतों की समस्या के समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान के लिए समाधान के लिए क्या किया गया, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई थी, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, या क्या, चैंबर ऑफ प्रिंसेस से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैंबर ऑफ प्रिंसेस, चैंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई, नरेंद्र मंडल की क्या की गई, स्थापना की गई थी। और ये अभी आपका जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें आया था, किस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से भारत में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, तो वो क्या हो जाएगा, चैंबर ऑफ प्रिंसेस की जो स्थापना की गई थी वो किसके अंतर्गत, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात करें। और यहाँ पर देखें कि जो ये मॉन्टेग्यू है वो क्या है, भारत सचिव है। क्या है, भारत सचिव का जो पद बना था 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वो है। और चेम्सफोर्ड क्या है, चेम्सफोर्ड क्या है साथियों, चेम्सफोर्ड आपका क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा। भारत का जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय था, या जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगर हम लोग बात करें कि एक प्रावधान और किया गया कि जो ये अधिनियम है, जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसी की क्या की जाएगी समीक्षा की जाएगी। इसी की समीक्षा 10 वर्षों में की जाएगी, इसी की समीक्षा अगले 10 वर्षों में इसकी क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। और इसी की समीक्षा करने के लिए आपका क्या हुआ, 1928 में, कब 1928 में क्या आया साइमन कमीशन भारत आया था। बाकी उन सभी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग क्या करिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और अभी ये जो क्लासेस है ये क्या होंगी, कंटिन्यू चलेगी, ठीक है साथियों। जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।